हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया एंड इन दिस वीडियो हम क्लास ए ज्योग्राफी चैप्टर नंबर सिक्स ह्यूमन रिसोर्सेज का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्कस करने वाले हैं। सो द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस, यानी जिस तरीके से जो लोग हैं वो अर्थ के सरफेस पर फैले हुए हैं उसे हम कहते हैं द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पैटर्न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का? 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन 10% ऑफ द लैंड सर्फेस, यानी वर्ल्ड की जो 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% लैंड सर्फेस पे रहती है, जिससे हमें क्या पता चलता है, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन कम लैंड पे रहती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वर्ल्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीमली अनइवन है। अनइवन है का मतलब है कुछ एरियाज़ बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं, कुछ स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। सो जो एरियाज़ बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं वो हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं हाई लेटीट्यूड वाले एरियाज़, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स वाले, हाई माउंटेंस और एरियाज़ जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के एरियाज़ होते हैं। मैनी पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ, बहुत ज़्यादा लोग यानी ज़्यादा पॉपुलेशन इक्वेटर में नॉर्थ की है, यानी नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं साउथ ऑफ द इक्वेटर के। थ्री क्वार्टर्स ऑफ द पीपल, जो थ्री क्वार्टर्स लोग हैं वो सिर्फ दो कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, एशिया और अफ्रीका। यानी वर्ल्ड के जो थ्री क्वार्टर्स लोग हैं वो सिर्फ दो कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, एशिया और अफ्रीका में। 60% पीपल लिव इन 10 कंट्रीज, वर्ल्ड में जो 60% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10 कंट्रीज़ में रहते हैं। मोर देन 100 मिलियन पीपल, और इन जो ये 10 कंट्रीज़ हैं इनकी पॉपुलेशन 100 मिलियन से भी ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ की वर्ल्ड में। सबसे पहला है चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशियन फेडरेशन एंड मेक्सिको। सो होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।